हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक हम लोग अपना आईटी कवर कर रहे हैं और आईटी के अंदर हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग लेकर चल रहे हैं ठीक तो सीबीएसई ने अपना कुछ सिलेबस जो है वो रेशनलाइज किया है मतलब रिवाइव नहीं किया रहा है रेशनलाइज किया है जिसके अंदर उसने यूनिट्स uh, में कुछ ज़्यादा बदलाव तो नहीं करा बट जैसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है वो तो वही रखी है बट जो पार्ट बी है उसमें उसने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन लिया है मतलब जैसे वर्ड प्रोसेसिंग को डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन नाम दिया है ठीक इसके लिए इन्होंने ये कहा है कि आप हम लोग जो अभी तक काम करते हैं वो आपका किस चीज पर होना चाहिए मतलब हम एमएस ऑफिस में करते हैं वो बात सही है बट इन्होंने प्रैक्टिकल के लिए हमें एम एस ऑफिस नहीं बल्कि ओपन ऑफिस फोर पॉइंट वन पॉइंट सेवन ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये डाउनलोड करने के लिए बोला है मतलब आपके जो प्रैक्टिकल्स होंगे वो एमएस ऑफिस पर नहीं होकर इस पर होंगे मतलब उन्होंने नया सॉफ्टवेयर दिया जो कि फ्री है ये आप डाउनलोड कर सकते हो ठीक तो लेकिन सबके पास ये अवेलेबल नहीं होता है क्योंकि अभी इतना पॉपुलर नहीं है इसलिए हमने सारा प्रैक्टिकल जो करा वो एम एस वर्ड पर वर्ड पे करा जो सबके लिए ही बहुत ही यूजर फ्रेंडली है ये दोनों ही बिल्कुल सेम है इनमें बिल्कुल कुछ चेंज नहीं है लेकिन आज जो मैं टॉपिक कवर कर रही हूँ टेबल ऑफ कंटेंट का वो मैं आपको इसके अंदर करके दिखाऊंगी ठीक देखो मैं आपको ओपन करती हूँ ये देखो क्रिएट एंड कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट ये मैं आपको ओपन ऑफिस में करके दिखाऊंगी अब मैं इसे ओपन ऑफिस को ओपन कर लेती हूँ ये देखो इसकी विंडो बिल्कुल इस तरह से है जैसे वर्ड होता है बिल्कुल वैसे ही है है ना कोई ज़्यादा खास चेंज नहीं है इसके अंदर इसके अंदर मैंने एक फाइल बना ली है आप देखो ये ब्लैंक फर्स्ट पेज मैंने ब्लैंक छोड़ा है और सेकेंड पेज पर पे मैंने चैप्टर्स के नेम लिए हैं ठीक देखो वर्ड और इसके अंदर ओपन ऑफिस में क्या डिफरेंस है कि वर्ड में तो जो मेन्यूज होते थे वो होम इंसर्ट वगैरह होते थे लेकिन ओपन ऑफिस में ये फाइल एडिट है लेकिन मैं आपको बताऊं कि वर्ड uh, में भी ये अभी कुछ नए वर्जन में होम और इंसर्ट टैब होने लगी थी अदरवाइज उसमें भी पहले फाइल एडिट व्यू इंसर्ट मेन्यूज होते थे ठीक मैं आपके लिए ये मेन्यूज एक एक बार ऐसे ओपन कर दूंगी तो आप इनको uh, इनके जो ऑप्शंस हैं वो आप नोट कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन किस में है सारे तो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन जो है आप वो यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो ठीक तो आप अगर कॉपी में इनको लिख लोगे तो कोई बुराई वाली बात नहीं है आपको याद रहेगा ठीक देखो मैंने इसको थोड़ा वेट कर करके सारे मैंने ओपन करें ताकि आप इनको नोट कर सको फिर से मैं एक बार देखती हूँ सही मान लो आपको पूछा जाए कि बुलेटिन नंबरिंग कौन से मेन्यू में है तो आप देख कर बता सकते हैं अच्छा बुलेटिन नंबरिंग फॉर्मेट में है इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिए पर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट तो छोड़ा कंटेंट पता है सो हम दैट हम so हमारा जो नंबरिंग इंडेक्सिंग हो जाए इंडेक्स बनाते हैं ना हम अपनी कॉपी में भी और हमने अपनी बुक्स में भी देखा है तो अगर वो अपने हम इस डॉक्यूमेंट बनाना चाहें तो हम कैसे बना सकते हैं तो उसके लिए देखो फर्स्ट पेज मैंने ब्लैंक छोड़ दिया और सेकेंड पेज से थर्ड पेज और ये फोर्थ पेज पे मैंने चैप्टर्स कुछ एग्जांपल्स ऐसे लिख दिया कुछ भी तो इसको हम हेडिंग बनाते हैं जनरली हम फोर uh, हेडिंग्स हम नॉर्मली मतलब टेन बना सकते हैं बट फोर कॉमनली हम बनाते हैं हेडिंग की सब हेडिंग्स इस तरह से जैसे मैंने इसको हेडिंग वन कर दिया इस वाले को मैंने हेडिंग टू का नाम दे दिया और ये जो है मेरा लास्ट इसको मैं हेडिंग थ्री कर दूंगी ठीक ऐसे ही मैं अब सेकेंड पेज पर आऊंगी ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ ताकि आप अगर आपका जब प्रैक्टिकल होगा तो आप इसको कर सकें आराम से ठीक है हेडिंग टू और इसके लिए ये हेडिंग थ्री ठीक टू पेजेस में हमने कर लिया अब हम अपने लास्ट पेज पे आते हैं चैप्टर थ्री जहाँ मैंने दिया हुआ है हेडिंग वन हेडिंग टू एंड हेडिंग अब हम फर्स्ट पेज पर आ जाते हैं जहां मुझे एक्चुअल में अपनी इंडेक्स बनाना है ये बहुत ही सिंपल है आप इसके लिए इंसर्ट पर जाओ इंडेक्स एंड टेबल देखो याद रखना इंडेक्स एंड टेबल का ऑप्शन इंसर्ट पे है टेबल्स में नहीं है ठीक इंसर्ट पे आओ टेबल्स इंडेक्स एंड टेबल्स पे जाओ फिर यहाँ पे आपको एक और खुल जाएगा तो फिर बीच वाला जो है इंडेक्स एंड टेबल्स इस पे जाना है आपको और देखो यहाँ पे इन्होंने एक हिरारची दिखा रहे हैं तो टाइटल क्या चाहिए हमें टेबल ऑफ कंटेंट टाइप क्या चाहिए टेबल ऑफ कंटेंट

क्योंकि जब हम इसके अंदर गए और हमने इंडेक्स एंड टेबल्स पर हम गए तो प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस मतलब इन्होंने इसको चेक कर था कि भाई कोई इसमें चेंज ना कर पाए है ना अब जैसे मैंने इसे हटा दिया देखो अब मैं रब करूंगी ये रब हो रहा है ठीक है तो ये इसलिए गिवन था मैं इसकी थ्योरी आपको दिखा दूंगी आपको ये नोट कर लेना क्योंकि थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है ये ठीक उसके बाद हम आते हैं हमारे टेबल क्रिएशन पर टेबल क्रिएशन आपको पता है बहुत ईजी है इंसर्ट पे जाओ मतलब पहले टेबल पे जाओ शुरू से देखो इसको टेबल पे जाओ फिर इंसर्ट पे जाओ और फिर आपको देना है ओके कि okay कर दिया देखो ये सेल्स कर आ गए क्योंकि सेल क्या होता है रो एन, uh, अब ये दो सेल्स हैं मान लो अलग अलग अब मेरे को इनको दोनों को मर्ज करना है तो मैंने सेलेक्ट करूंगी और मर्ज सेल पर चली जाऊंगी तो ये मर्ज हो गया है ना अगर ऐसे ही मुझे इन्हें स्प्लिट करना है तो मैं इस पर मतलब तो तोड़ना है तो मैं ऐसे ऐसे ब्रेक कर दूंगी तो ये क्या है हमारा स्प्लिट और आ, मर्च है ठीक तो हम इसको देखते हैं वापस कस्टमाइज देखो हेडिंग्स हमने बना ली है अपनी इस उन्होंने बहुत सारा इसके ऑप्शन दिए हैं कि आप कैसे कैसे मतलब डाल सकते हो ये चीजें अब इसके अंदर हम सारी चीजें ही कर सकते हैं टाइटल्स वगैरह देखो ये आ गया प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस जो मैंने आपको बताया कि अगर इस पे राइट का निशान लगा होगा तो हम कोई भी मैनुअल चेंज नहीं कर सकते हैं और हटा देंगे तो हम मैनुअल चेंज कर सकते होंगे है ना ये आपको नोट करना है इसके अंदर बाकी तो देखो ये मोस्टली प्रैक्टिकल वर्क है इसके अंदर आपको इतना कुछ नहीं लिखने की जरूरत है मैं इसके क्वेश्चन आंसर तो आपको बाद में दूंगी ही देखो अब जैसे ये है जो हम अपने प्रैक्टिकल पर आ जाते हैं ठीक है एंट्रीज पर आते हैं इसमें ये सारा कुछ आपको दिख रहा है तो अभी क्या-क्या होता है हमें वो देखना है उसको पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ में तो ये देखो यहाँ पे ये बना है कि ई हैश ई टी हैश ये सब क्या है ये मुझे देखना है ठीक है इनके बारे में आपके क्वेश्चंस भी बन सकते हैं तो देखो ये लिखा ईच पैटर्न द स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट ई हैश क्या है चैप्टर नंबर ई क्या है एंट्री टैग टी क्या है टैब स्टॉप हैश क्या है पेज नंबर एल एस क्या है हाइपर लिंक स्टार्ट हो गया एल ई ये भी हाइपर लिंक है एंड है मतलब हाइपर लिंक का एल एस मतलब हाइपर लिंक स्टार्ट और एलब हाइपर लिंक स्टॉप ठीक तो ये चीजें क्या है आपकी आप इसमें डिलीट भी कर सकते हो एलिमेंट्स इसके ऐड भी कर सकते हो इतना कुछ आपको लिखने की इसके अंदर uh, मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है जो जो मैंने आपको मेन बताया वो बस आप नोट कर लो इसको और आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट है ये आपको क्लियर हो ही गया है होपफुली सही इसको हम यही रखते हैं अब हमारा नेक्स्ट एक इसके अंदर मेल मर्ज और बचा है फिर हमारा ये वर्ड फिनिश हो जाएगा थैंक यू सो मच